विरासत एक कहलूर के तहत पुराने शहर से नए शहर तक के सफर को समर्पित क्रिकेट संघ बिलासपुर द्वारा खेल उत्सव का आयोजन किया गया। बिलासपुर के लुहणू क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित इस उत्सव का शुभारंभ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा किया गया, जिसमें पहले दिन रस्सा कस्सी प्रतियोगिता करवाई गयी, जिसके बाद जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, जिसमें लगभग 16 टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग विशेष अतिथि व बिलासपुर से विधायक सुभाष ठाकुर और झंडुता विधायक जेआर कटवाल अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रेम कुमार धूमल ने पुराने बिलासपुर शहर व बाकड़ा विस्थापित परिवार से जुड़े बुजुर्ग लोगों को सम्मानित भी किया, जिसके बाद वरिष्ठ पत्रकार व लेखक कुलदीप चंदेल ने कहलूर रियासत से जुड़ी मुख्य बातों की जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान COVID-19 के समय आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता व उप विजेता टीमों को प्रेम कुमार धूमल ने सम्मानित भी किया, जहां एक और पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने विरासत ए कहलूर के आयोजन के लिए क्रिकेट संघ को बधाई दी। तो साथ ही पहले लोकसभा की चारों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत, फिर धर्मशाला व पच्छाद उपचुनावों में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत के बाद पंचायती राज संस्थाओं में 70% बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों की जीत के बाद अब चारों नगर निगम सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। वहीं सोशल मीडिया पर फतेहपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में प्रेम कुमार धूमल के चुनाव लड़ने की अफवाहों पर उन्होंने विराम लगाते हुए सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाने की बात की। साथ ही प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश की जयराम सरकार के कार्यकाल में लोकसभा व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की जीत को जनता द्वारा सरकार को 100% मार्क्स दिए जाने की बात कहते हुए नगर निगम चुनाव में भी जनता द्वारा इसी तरह 100% मार्क्स दिए जाने की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही देश प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने जनता से अपील की है कि सभी लोग वैक्सीनेशन करवाएं और COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व स्वच्छता बनाए रखने, ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। मध्य प्रदेश की जनता, जैसे मैंने कहा, लोकसभा चुनाव में, उपचुनावों में और फिर पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में लगातार 100% मार्क्स इनको दे रहे हैं, तो अब कॉर्पोरेशन चुनाव में भी ऐसे मार्क्स मिलने की उम्मीद है। सर, COVID-19 के मामले फिर से एक बार बढ़ने लगे हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि अब मेलों पे तो रोक लगा दी गई है, तो क्या लगता है कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन ये डिसीजन हो सकता है सर आने वाले समय में? नहीं, मैं चाहता हूँ और लोगों से अपील भी करूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वैक्सीनेशन करवाएं, सब मास्क पहने, डिस्टेंस मेंटेन करें, 2 मीटर की दूरी जरूरी है, और स्वच्छता अपनाएं, बार बार हाथ मुंह को धोते रहें, ये 4 स्टेप्स अगर हम लेते रहेंगे तो कोरोना से छुटकारा मिल सकता है। 4 लोकसभा की सीटों का पहला चुनाव इस गवर्नमेंट में हुआ, चारों भारी बहुमत से जीते, रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। उसके बाद 2 बाई इलेक्शन असेंबली के हुए, दोनों जीते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में हम जीते हैं, अब कॉर्पोरेशन का चुनाव होगा भी, हम चारों कॉर्पोरेशन जीतेंगे। सर, जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी चर्चा थी कि आप फतेहपुर से आप चुनाव लड़ते हैं विधानसभा उपचुनाव जो है, सोशल मीडिया में कुछ लिखने के लिए लोग लिख देते हैं, धर्मशाला वाले चुनाव में भी आई थी, इसलिए मैंने ऐसी बातों पर टिप्पणी करना बंद कर दिया है।